जबरन वसूली के लिए की गई फायरिंग का आरोपी पुलिस हिरासत में। जमानत पर बाहर चल रहे एक बदमाश ने बीते 16 अगस्त को जबरन वसूली का दबाव बनाने के लिए अपने दो और साथियों के साथ देसी कट्टे से फायरिंग कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को दबोचने के लिए कोशिशें तेज कर दी। उन तीन आरोपियों में से एक विजय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाकी दो फरार बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी है। मामला डाबरी थाना का है, जहां पर जमानत पर बाहर चल रहे एक बदमाश ने बीते 16 अगस्त को जबरन वसूली का दबाव बनाया, जिसमें उसने अपने दो साथियों को भी इसमें जोड़ा, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को दबोचने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी और आरोपी विजय पकड़ा गया और बाकी दो आरोपियों को लगातार पकड़ने की कोशिश में पुलिस लग गई है और उन दो आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा, यह पुलिस की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। धाबड़ी थाने की पुलिस टीम ने एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट किया है और ये हिसार कोर्ट से 2016 में हरियाणा का 2016 का एक NIAC का केस है, उसमें ये PO डिक्लेयर हुई थी। फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स इसमें शुरू कर दी गई हैं।